आया, लोगों ने मारने की धमकी दी, लोगों ने अपने हाँ यहाँ पर मजाक उड़ाया जा रहा है। डालना मत ये एंटी। तो कल रात में बहुत लेट हो गया, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया वहां से निकलने के बाद। और अभी इस वक्त हम लोग रेडी हो गए हैं, रूम वगैरह थोड़ा चेंज करना था। आज यहां से निकलना है हम लोगों को जोधपुर के लिए। रात में ना 10 बजे बस है जो सुबह कल 6 बजे पहुंचाएगा। तो आज फिलहाल डे सेकेंड है हमारा राजस्थान में, डे सेकेंड है आज हमारा और लास्ट डे जयपुर में। तो अभी जो चीजें कल रह गई थी, जो जहां से हमको शुरू करना था आमेर फोर्ट, हम आज वहां से शुरू करेंगे। तो अभी फिलहाल ब्रेकफास्ट करने के लिए हम निकल रहे हैं। 10:30 बज गया, रेडी होते होते बहुत लेट हो गया। तो चलते देखते कहाँ का आज प्लान है ब्रेकफास्ट करने का, उसके बाद फिर हमको आमेर फोर्ट जाना है और उसके बाद और भी 2-3 जगह जो आज कंप्लीट करना है खत्म होने से पहले दिन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैं बताना भूल गई थी, कि अगर आप चौकीधामी जा रहे हो ना, तो प्लीज वहां पर आप अपना कोई पर्सनल व्हीकल लेकर जाओ, या फिर आप जो भी कैब बुक कर रहे हो उस कैब वाले को रिटर्न के लिए भी बुक कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौकीधामी में हम गए कल कैब से और वापस आ रहे टाइम हमने सोचा था कि जब इतने लोग और 12 बजे के लगभग तक 11:30 तक खुला रहता है तो मिल ही जाएगा कुछ भी वापस आने के टाइम पे, उबर ओला कुछ भी बुक कर लेंगे, पर ये नहीं हो पा रहा था। वहां पे 1 घंटे हमको बाहर वेट करना पड़ा, होटल रूम आते आते हमको 12:30 बज गया था। वहां पे 1 घंटा लग गया हमको कोई कैब मतलब बुक होने में। और वहां पे जो भी ऑटो वाला या बाकी कैब वाले आपको दिखेंगे ना, वो लोग बिल्कुल रेडी नहीं होते नॉर्मल जनरल प्राइस पे। आप मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा भी पे करो नहीं, वो डबल से भी बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं ना, डबल से भी बहुत ज्यादा मांग रहे होते हैं। ऑटो वाला जो कि हमको यहाँ से दिखा रहा था कुछ 200 रुपए के लगभग लग रहा था जाने टाइम पे, लौटने टाइम पे 700-800 रुपए ऐसे एकदम आराम से मांग रहा है आपसे। और आप ऑटो से ऐसी टाइम पे नहीं आ सकते, बिल्कुल खुला होता है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसा ठंडा एकदम वो, तो वैसे कंडीशन में आपको कैब ही चाहिए रिटर्न के लिए अगर आप ऐसे टाइम पे आ रहे हो जयपुर। तो नेक्स्ट टाइम आप कभी भी चौकीधामी आप जाते हो जयपुर से या कहीं से भी आ रहे हो चौकीधामी जा रहे हो, तो आपको मैं यही एक चीज बोलूंगी कि अपना पर्सनल व्हीकल लेकर जाओ, कैब के भरोसे बिल्कुल मत जाओ। तो कैब लेके भी जा रहे हो तो रिटर्न के लिए जरूर से बुक कर लो। चलो मैं अब निकलती हूँ, बहुत लेट हो रहा है। यहाँ पर कुणाल लेकर आया है और अभी वो कचौड़ी ले रहा है, 2 कचौड़ी वाली शॉप है, एक वो और एक ये, दोनों ही कजिन ब्रदर्स के। वहाँ पर जिस जहाँ पे कुणाल खड़ा है वहाँ पर दही वाली कचौड़ी मिलती है और उसके ठीक सामने जो इसमें चटनी वाली कचौड़ी मिलती है। कैसा है कुणाल बता दो, उसके बाद हम ऑर्डर करेंगे। डिफरेंट है बहुत, 10/10 है, 10/10 नहीं बोलेंगे, 7/10। चटनी का टेस्ट बहुत डिफरेंट है और समोसे बहुत अलग लग रहा है ना, नहीं बहुत अलग है मतलब चटपटा सा लग रहा है। तो इधर का मेरे को भी ट्राई करना पड़ेगा, इधर का ट्राई कर लो, ये अलग है। अच्छा ठीक है, अभी साइड से ट्राई नहीं किया है कचौड़ी वाला, वो अभी ट्राई करेंगे, वो भी बन रहा है राजे कचौड़ी। दही वाला समोसा था, ये चटनी वाला समोसा है। बेस्ट कौन लगा तीनों में? बेस्ट नहीं, तीनों का अलग अलग एक्सपीरियंस है, तीनों अच्छा है। अगर फिर भी करना हो रैंकिंग, दही समोसा एक लाउड, दही दोनों भाइयों के बीच लड़ाई कर रहा है। दही समोसा एक, चटनी समोसा दो, कचौड़ी अभी तक टेस्ट नहीं किया तो नो कमेंट। सेकेंड राउंड, ये सेकेंड राउंड है, इस बार सामने वाले शॉप से लिया, दही वाला है इसका, मेरा दही और चटनी है, यहाँ का सिर्फ चटनी है क्योंकि दही नहीं खाती है। और हमने वो कैंसिल कर दिया कचौरी क्योंकि हमें ज़्यादा पसंद है समोसा और उसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा था। ये बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ वाले तो ज़्यादा अच्छा था, राधे वाले समोसा है ना, वो थोड़ा अलग था, ये तो खाया हुआ है लग रहा है। और क्या खाने वाली हो तुम? और क्या ऊपर से उन्होंने डाला है रोज वाटर, खुशबू से ही मुझे मजा आ रहा है। एक बार मिला
ब्रेकफास्ट हो गया हमारा, हम यहाँ से निकल रहे हैं आमेर फोर्ट के लिए, और आमेर फोर्ट के लिए हम कैब ले रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट, चलते हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो गया, 11:30 हो गया यहाँ पर आते और खाते खाते हमें। आमेर फोर्ट हम लोग पहुंच गए हैं, काफी बड़ा और वहां से एंट्री है, और देख सकते हो आप कितने सारे लोग दिख रहे हैं चढ़ते हुए ये पूरे इस एरिया में, तो बहुत टाइम लगने वाला है ऊपर जाकर देखने में। लास्ट टाइम हम जब आए थे पापा के साथ तब डायरेक्ट ऊपर चले गए थे ना पार्किंग ऊपर की तरफ, अगर आप पर्सनल गाड़ी से आते हो तो आज संडे है, ऊपर से आज 25 दिसंबर है, इस वजह से भी यहाँ पर बहुत ज्यादा क्राउड है। तो ट्राई करते हैं जल्दी जल्दी कम्प्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद हमें जयगढ़ फोर्ट भी जाना है, एक और जगह जाना है, 2-3 जगह का भी और प्लान बचा हुआ है, तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लंबा भी चढ़ना पड़ेगा ऊपर तक जाने के लिए, यहाँ पे शायद हाथी है ना, हाथी का हम ले सकते हैं राइड, और उसके अलावा जीप वगैरह सफारी वगैरह ये सब है, तो हम वो नहीं करने वाले, हम खुद से चल कर जाएंगे। सिर्फ 1 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है यहाँ से वहाँ का। एंट्री गेट वहाँ पर था और एंट्री गेट के साथ गार्डन यहाँ पर बना हुआ है, और बहुत कड़ी धूप है, बहुत ज़्यादा, मतलब ठंडी एकदम हवा चल रही है और बहुत कड़ी धूप है। अभी हमको बहुत चढ़ना है, नीचे से ऊपर जाने का टोटल स्टेप 185 है। बहुत भीड़ है, इसी तरफ से लोग एग्जिट भी कर रहे हैं और एंट्री भी कर रहे हैं। ऊपर आने के बाद वो व्हाइट एंट्रेंस है, और यहाँ पर काफी सारी मंदिर की चीजें मिल रही हैं। जब मैं आई थी पूरा खाली था, अभी सिर्फ टाइम नहीं है वो, इस टाइम पे बहुत ज्यादा लोग आते हैं, इस वजह से इतना भीड़ है यहाँ। जब लास्ट टाइम मैं पापा के साथ आई थी फैमिली के साथ, तब वहां से एंट्री हुआ था और वहां पे कार पार्किंग था उससे जरा सा नीचे, और इस बार एंट्री यहाँ से हुआ है। जो लोग वॉक करके आते हैं उनको इतने सारे स्टेप चढ़ के आने पड़ते हैं। और हम लास्ट टाइम यहाँ पे खड़े होकर ऊपर देख रहे थे और बोल रहे थे कि ये लोग इतने स्टेयर्स चढ़ के कैसे आते हैं ये वो, और इस बार हम खुद 2-3 साल बाद एग्जैक्टली वैसे ही आए हैं जिनपे हम हंस रहे थे वो कैसे आते हैं। तेज ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से धूप इतनी कड़ी है, इतनी कड़ी वाली धूप है ना कि पूरा स्किन बर्न हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। कैप लगाया, उसके अलावा से स्टोल साथ में लगा लिया क्योंकि चेहरा फिर भी बहुत जल रहा है। सबने यहाँ पे स्वेटर और जैकेट पहन रखा है, लेकिन हर किसी ने कैप वैप लगा भी रखा है, सनग्लासेस लगा रखे, ये कंडीशन है। अब टिकट लेते हैं और जो थोड़ा बहुत देखना है देखकर निकलते। वैसे एक बार देखा हुआ है, कुणाल ने बिल्कुल भी नहीं देखा है, उसके लिए नया है ये। टिकट के लिए भी लंबी लाइन लगी हुई है। हाँ। उसको ये लगा कि हम इंडियन टिकट में फॉरनर्स घुस रहे हैं। अच्छा, इतना फेस वेस कवर करके, मास्क, ग्लासेस, कैप। ओ अच्छा, इसलिए तुम लोग पूरा कुछ नहीं देख रहे थे, चश्मा सिर्फ। हाँ। कुछ देख नहीं रहा था ना, तो उनको लगा इसलिए। हाँ। भाई रोक कर आईडी देख रहे हैं, आईडी चेक करवा लिए रोक के तुम लोग। इंडियन आईडी दिखाओ, मतलब आईडी में इंडियन आईडी, मिनी कोरियन जापानीज। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ऊपर एंट्रेंस के बाद ये एरिया है, ये दीवाने खास या दीवाने, हम क्या है, दीवाने खास है ना शायद ये। और ये नहीं नहीं लास्ट टाइम बताया था और गाइड ने मुझे जो थोड़ा बहुत याद है, क्वीन क्वीन वहाँ ऊपर जो विंडो का एरिया है। हाँ अच्छा, हॉल ऑफ पब्लिक वर्क्स, ये दीवाने आम है। ओ काफी अच्छा डिजाइन है इसके पिलर का, वो काफी तारीफ कर रहा था लास्ट टाइम, जो ऊपर डिजाइन वो बना हुआ है उसका। पढ़ना हो तो आप रोक कर पढ़ सकते हो। ये जो एरिया है ना जहाँ से अभी एंट्री करी थी हमने,
हमने इस साइड से एंट्री किया ना, मैंने पहले भी बताया, और इस साइड से हम पहले आए थे जब मैं पापा के साथ आई थी, तब जब अपनी आप खुद की प्राइवेट गाड़ी लेकर आते हो। तो यहाँ पर कुछ मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, जैसे सलमान खान की वीर मूवी कुछ ऐसे आई थी ना, उसकी हुई है यहाँ पे शूट, और भी कई सारी मूवीज़ है जिसकी यहाँ पे मतलब शूटिंग वगैरह हुई है। और यही वो एरिया जब यहाँ पे ये लोग लड़ाई वड़ाई के लिए जाते थे, युद्ध के लिए जाते थे, हाँ सही वर्ड है युद्ध, युद्ध के लिए जब ये जाते थे तब यहीं पर इनकी पूरी सेना ऐसे खड़ी होती थी, और वो वहाँ टॉप से किंग उनको गाइड करते थे। ये वो जगह मेन सेंटर प्लेस है। हम अगर थोड़े और पहले आते, जैसे हम 7 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का टाइम है, उस टाइम पे आपको जो हाथी का सवारी करना हो तो वो आपको लेकर के उस वाले गेट से आता है और यहाँ पर राउंड लगवाते हैं, और 11:30 बंद हो जाता है। और यहाँ एक मंदिर भी था अभी, काली जी का मंदिर, काली माता का मंदिर, वो भी अभी बंद है 12 से 4 के लिए, उसके बाद वो खुलता है। और उसके अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो अगर आप जाओगे तो आप वीडियोस नहीं ले सकते। और वहाँ मिलता है टिकट, तो जो टिकट मिलता है वो पर पर्सन 100 रुपीज़ का मिलता है, और जो स्टूडेंट आईडी कार्ड अगर आपके पास है तो सिर्फ 20 रुपीज़ में आप आ सकते हो, आपके 80 रुपीज़ बच जाएंगे। हाँ, और ये जो मंदिर है इसका कुछ स्टोरी था ना, लास्ट में याद है जब किंग यहाँ पे थे काफी साल पहले, हाँ, इंसान की बलि दी जाती थी एवरी डे, एक इंसान की थी बलि। उसके बाद बहुत सालों तक ये चलता रहा, उसके बाद इंसान को चेंज कर दिया गया, अब एक भेड़ बकरे की कुछ, हाँ, ऐसे भेड़ बकरे की या फिर ऐसे कोई बड़े से एनिमल की थी, फिर उसको धीरे धीरे इन लोगों ने चेंज कर दिया। अभी बकरे की दी जाती है, पहले किसी शायद बड़े गाय या किसी बड़े जानवर की दी, हाँ, जाती है इंसान के, हाँ, बाद उसके बाद अभी किसी छोटे जानवर की दी जाती है, स्टिल अब तक दी जाती है, हाँ, इतनी ज्यादा है। और उसके अंदर जब आप जाते हो ना तो उसमें आप कुछ भी पहन नहीं सकते हो, मतलब अगर बेल्ट है या, हाँ, फिर शूज, मतलब हर चीज आपको हटाना पड़ेगा, कुछ भी वैसी चीज लेके आप अंदर नहीं जा सकते हो, फुल चेक होता है, और अंदर बिल्कुल भी कैमरा अलाउड नहीं है। तो हम लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हम गए थे उसके अंदर, और इस बार वो बंद है, और क्योंकि हम काफी लेट आए, हाँ, और ऐसा कुछ है कि उनका जो वो होता है ना भेड़ और उसका देते हैं, भेड़ और बकरे का जो वो देते हैं ना बलि, उसमें कुछ ऐसा सीन है कि उसका एक मतलब प्रॉपर जो हिस्सा है वो जाता है अभी भी किंग के वहाँ पे, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, प्रिंस अभी भी रह रहे हैं वहाँ पे, एवरी डे जा रहे हैं वो जो। तो ये जो हमारा गेटअप है ये धूप के लिए है, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत 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 तेज है, स्किन बर्न हो रहा है इसके बाद भी। इतनी मेहनत करने के बाद हम कहीं वहाँ से स्टार्ट किए, देखो वहाँ पे, वहाँ से स्टार्ट किया था हम लोग, उस जगह से वहाँ से एंट्री पॉइंट है, वहाँ से आने के बाद हम यहाँ पहुँचे। हालत ख़राब हो गया, वैसे लास्ट टाइम हम लोग को लग रहा था कि बहुत ज़्यादा चलना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम यहाँ से देख रहे थे अच्छा उतने दूर से लोग चल के आ रहे हैं, लेकिन ठीक है, मतलब 185 स्टेप इतना भी ज़्यादा नहीं लगा, ओके था इतना स्टेप, बस धूप बहुत कड़ी, हालत ख़राब हो गई यहाँ तक आते थे। और अभी बस स्टार्ट हुआ है हमारे डे का, अभी 2 बज भी गया, 12:30 स्टार्ट किया ना हम नीचे से, 2 बज भी गया, 1.5 घंटे में हम यहाँ पहुँचे हैं। हाँ, तो फटाफट देख लेते हैं अंदर, काफ़ी अच्छी अच्छी एक दो जगह हैं जहाँ पे क्वीन किस साइड रहती थी समर के टाइम, किस तरफ रहती है विंटर के टाइम, वो सब जगह है। तो मेरा नेहा का देखा हुआ कुनाल के लिए और सब कुछ नया है, तो वो सब देखते हैं। हाँ, मूवी का शूट तो यहाँ पर हुआ था, मैंने बताया, हाँ अंदर भी हुआ है कुछ जगहों पे। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे ना तो गाइड ने हमें बताया था, वो जो एरिया दिख रहा है ना वाइट पूरा, वो वहाँ से वहाँ तक का वो पूरा एरिया वो शीश महल है। वहाँ पर पूरा कांच, छोटे छोटे ग्लास के बने हुए टुकड़े से वो पूरा वॉल से बना हुआ है, वहाँ पर रानियाँ रहती थी विंटर के टाइम पर, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हो धूप उस तरफ ज़्यादा आ रहा है, और वो एरिया गर्म रहता था विंटर के वक्त। और ये जो एरिया जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, ये वाला साइड, ये पूरा साइड है समर के लिए, वो लोग रहते थे इस तरफ शिफ्ट हो जाते थे समर के पूरे 6-7 महीने ऐसा करके गाइड ने बताया। तो ये एरिया ठंडा रहता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना इस वाले साइड पे, पानी ऐसा फ्लो हो रहा होता था वॉल की साइड से, इस वजह से यहाँ पे काफी ठंडा और अच्छा मतलब उनको रहता है। वो आगे हम दिखाएंगे वीडियो में। और वो वाले साइड का एक और खास बात, ग्लास की बने होने की वजह से वहाँ पे अगर आप एक फ्लैश लाइट भी जलाते हो ना
तो काफ़ी अच्छा, मतलब ऐसा एकदम रिफ्लेक्शन चारों तरफ दिखता है और पूरा रोशनी हो जाता है अंधेरे में अगर आप सिर्फ एक फ्लैश लाइट जलाओ तो। हम शाम के वक्त तो है नहीं, पर अभी ट्राई करेंगे अगर वो करके दिखा पाए तो। वो होता है, लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था, बहुत मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है कुछ करने के लिए। तो अभी चलते हैं आगे। हाँ अभी चलते हैं। ये देखो ऑडियो गाइड, जगह जिसके बारे में मैं अभी बता रही थी, जहाँ पे रानियाँ रहती थी समर के टाइम पे। आप देख सकते हो कमरे कैसे बने हुए हैं और वॉल कितना चौड़ा और कितना मोटा है। कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया हुआ है कि ये कभी गर्म नहीं होता था और ये बहुत ठंडा रहता था जब वो यहाँ रहती थी तब। तो पानी इसमें फ्लो यहाँ पर बना हुआ है, आप देख सकते हो। नीचे दिखाना अपना, ये वो जगह जो मैं कह रही थी ना, इसमें पानी रहता था कमरे के अंदर से, ऐसे पानी कभी नहीं निकल रहा होता था वहाँ से, जिसकी वजह से यहाँ पर ठंडा पूरा बना रहता था रनिंग वाटर की वजह से। ऐसा कुछ गाइड ने बताया था, मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। थोड़ी देर पहले मैं वहाँ से खड़े होकर आपको बता रही थी और उसके बाद हम वहाँ से इस तरीके से राउंड लेके इस पैसेज से यहाँ पर आए और ये वो शीश महल का एरिया है जहाँ पे पूरा ऐसे शीशे से बना हुआ है, ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है, वो नहीं फ्लैट है, वो उसका शेप थोड़ा राउंड है जिसकी वजह से उस पर इतना अच्छा रिफ्लेक्शन दिखता है। बहुत खूबसूरत है, अभी आप काफ़ी टाइम दे सकते हो उसको देखने में। और ये आपको जो अंदर की तरफ दिख रहा है ये एरिया पूरा का पूरा कमरा था उनका, वहाँ पे एक कमरा, उस तरफ दूसरा कमरा, यहाँ पर वो एक दिया भी जलाती थी ना तो पूरा रोशन हो जाता था ये एरिया, मतलब काफ़ी अच्छा लाइट हो जाता था सिर्फ एक दिए से, ऐसा कहते हैं। मियाँ जहाँ खड़ी है यहाँ पर लास्ट टाइम हमने पिक्चर क्लिक करवाया था। ये वो जगह है जहाँ पे सारी रानियाँ रहती थी, उनके अलग अलग कमरे बने हुए हैं, वहाँ पर एक है, फिर एक ये रहा, बाकी उस तरफ है। और जब मैं पापा के साथ आई थी तब वो वाला जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा है ना, वहाँ पर देखो, वहाँ पर वो स्टेयर के वहाँ पे वो जो सपोर्ट अभी लगा हुआ है ना रेलिंग, वो नहीं था उस टाइम पर, वो अभी बना है, मतलब वो 2-3 साल में उसको बने हुए। अजीब सा रास्ता है ना, गोल गोल। यहाँ पे भी हुआ है रेनोवेशन, इस साइड चल लो, देख कर सर बचा के यहाँ पे थक गया तुरंत कैमरा इधर घुमा दे। ये इतना छोटा हाइट है, अयो नहीं आपको यहाँ आना था, नीचे से देखी करती यहाँ पे पहले घूम लेते उसके बाद जाएंगे। यहाँ पे गाइड लोग बहुत वो कराते हैं ना, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि उनको दूसरा क्लाइंट चाहिए होता है। यहाँ से पूरा व्यू है सामने का, अभी यही थे हम लोग नीचे उस पूरे पार्क का, मतलब जो बीच में गार्डन बना हुआ है इस पूरे गार्डन का, शीश महल का, और इसका पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से। सर में लग गया थोड़ा छोटा, एग्जिट ढूंढने में दिक्कत हो रहा है यहाँ पर हमको। यहाँ से
हम टाइम से बहुत लेट है, हमको 2 बजे तक निकल जाना चाहिए था, पर अभी 3 बज रहा है, मतलब बजने वाला है, 10 मिनट बस बचा है, तो हम ट्राई करें जल्दी जल्दी नीचे चले जाए। गाड़ी भी नीचे वेट कर रही है, इसके अलावा भी 2 और जगह जो हमको देखना बाकी है, चलते हैं जल्दी से।